पिछले कुछ समय में स्ट्रिंग ने रेडबुल जैसे बड़ी कंपनी को पीछे छोड़कर पूरी की पूरी एनर्जी ड्रिंक मार्केट को कैप्चर कर लिया। लेकिन आखिरकार ये पॉसिबल हुआ तो हुआ कैसे? कैसे इंडिया के लोगों को स्ट्रिंग का नशा लगा? क्या है इस स्ट्रिंग की पूरी बिजनेस केस स्टडी? आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। साथ ही साथ इस वीडियो में हम स्ट्रिंग की कुछ काले राज खोलने वाले हैं, जिसको सुनकर आपकी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए प्लीज इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज इस मजेदार वीडियो को। दरअसल हाल ही में स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक ने रेडबुल को पीछे छोड़ दिया है और अब ये भारत में ज्यादा कंज्यूम करने वाली एनर्जी ड्रिंक बन गई है। स्ट्रिंग पेप्सिको कंपनी का प्रोडक्ट है। पेप्सिको वही कंपनी है जो स्लाइस, माउंटेन ड्यू, सेवन अप और पेप्सी का प्रोडक्शन करती है। पेप्सिको कंपनी ने पहली बार स्ट्रिंग को 2002 में वियतनाम में लॉन्च किया था। वियतनाम में कंपनी को इस प्रोडक्ट की लॉन्च होने से काफी ज्यादा फायदा होता है और इनका ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहता है, जिसके बाद कंपनी 2008 में इसे भारत में लॉन्च करने के बारे में प्लान बनाती है। लेकिन उस समय भारत में कुछ रूल्स रेगुलेशन होने की वजह से स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक भारत में लॉन्च नहीं हुआ। अब दोस्तों ये बात उस समय की है जब 2016 में भारत सरकार नए रूल्स बनाती है, जिसके तहत अगर कोई भी एनर्जी ड्रिंक कंपनी भारत में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है तो वो 1 लीटर बोतल में 300 ग्राम से ज्यादा कैफीन नहीं मिला सकती। पेप्सिको कंपनी भारत के द्वारा बनाए गए इस रूल को अच्छे तरीके से फॉलो करती है और 2017 में स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक को भारत में लॉन्च कर देती है। और इस नए रूल की वजह से दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक्स वाली कंपनी भी भारत में अपने अपने एनर्जी ड्रिंक को लॉन्च कर देती है। लेकिन दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एनर्जी ड्रिंक की इतनी सारी कंपनी होने के बाद भी स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक ही इंडिया में इतनी पॉपुलर हुई क्यों? तो दरअसल इसके पीछे पेप्सिको कंपनी का मास्टरमाइंड छुपा हुआ है। दोस्तों अगर किसी भी कंपनी को अपना प्रोडक्ट फेमस करना होता है तो वो 4P मॉडल को फॉलो करती है। पेप्सिको कंपनी ने भी सेम बिल्कुल वही किया। 4P मॉडल का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। पहला है प्रोडक्ट, जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग डिजाइन करती है। इसमें कंपनी प्रोडक्ट का टेस्ट कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाती है। दूसरा है प्राइस, इसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती है। किसी भी कंपनी को अपने शेयर्स ज्यादा करने के लिए अपने प्राइस कम रखना पड़ता है। पेप्सिको ने भी यही किया। पेप्सिको की 200 ml की बोतल 20 रुपए में मिलती है, जो कि बहुत ही सस्ती है। तीसरा है प्लेस, कंपनी ऐसी जगह चुनती है जहाँ से वो अपने प्रोडक्ट्स को अच्छे से सप्लाई कर पाए और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी स्ट्रॉन्ग कर सके, ताकि हर छोटी से छोटी दुकान से लेकर बड़ी से बड़ी दुकान तक अपने प्रोडक्ट को भेज सके। चौथा है प्रमोशन, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोशन करने के लिए बड़े से बड़े स्टोर को उसका ऐड करने के लिए बोलती है। जो कंपनी इस 4P रूल को फॉलो करती है उसका प्रोडक्ट मार्केट में बहुत कम समय में ही सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। इसके बाद दोस्तों पेप्सिको कंपनी बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर इंडिया में मार्केट करना है तो उसको अपने प्रोडक्ट्स का टेस्ट और प्राइस सही सही रखना होगा, क्योंकि अगर इन दोनों चीजों में से किसी एक में भी ऊपर नीचे हुआ तो भाई सीधी सी बात है, इंडिया वाले हमारे स्ट्रिंग एनर्जी को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट काफी प्राइस सेंसिटिव और क्वालिटी सेंसिटिव है। जिसको देखते हुए पेप्सिको कंपनी ने स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक का टेस्ट इंडियन लोगों के पसंद के अकॉर्डिंग रखा। उन्होंने 250 ml की बोतल का प्राइस 20 रुपए फिक्स किया, जो कि काफी अफोर्डेबल है। पेप्सिको कंपनी भारत में 1989 से ही अपने प्रोडक्ट सेल कर रही थी, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक की डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट का प्रमोशन अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार से करवाया। अक्षय कुमार बॉलीवुड में सबसे फिट एक्टर में से एक है। स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक ने इंडिया में सभी चीजें अच्छे से की, जिसकी वजह से ही स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक आज भारत की एनर्जी ड्रिंक मार्केट पर डोमिनेट कर रही है। आपको बता दें कि इंडिया में स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक काफी ज्यादा ग्रो कर रही है और इसकी सेल्स में पिछले साल यानी कि 2022 में 31% की ग्रोथ देखी गई है, जो कि काफी अच्छी एनुअल ग्रोथ मानी जाती है। लेकिन दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार इनका बिजनेस वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन क्या एनर्जी ड्रिंक लेने की हमें जरूरत है भी या नहीं? तो देखिए, एनर्जी ड्रिंक के नाम से ही पता चलता है कि हमें बिना किसी डेयरी के अल्ट्रा एनर्जी देते हैं ये। कुछ लोगों में एनर्जी ड्रिंक पीने का एक फैशन बन गया है।
लेकिन कुछ लोग बिना किसी खास मकसद के बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमें दिन में 2 बोतल से ज्यादा कोई भी एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अब हाल ही में हुई एक घटना हमें इस बात का सबूत देती है कि एनर्जी ड्रिंक हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल होती है। एक 13 साल के बच्चे की स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक पीने की वजह से मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, और यह घटना वाकई में दिल दहला देने वाली है। तो चलिए क्या था पूरा मामला ये भी जान लेते हैं। दरअसल वो 13 साल का बच्चा पिछले कुछ महीने से लगातार 3-3 बोतल से भी ज्यादा एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम करता था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में शुगर लेवल इतना बढ़ गया था कि डॉक्टर भी उसे लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बचा पाए। दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि इस स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक हमारे लिए कितना खतरनाक है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो दिल से इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपका कोई दोस्त और फैमिली मेंबर ज्यादा स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो प्लीज उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे ही बिजनेस केस स्टडी देखना पसंद करते हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।